Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस फिर से एक बार इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबको बहुत आयत से संभाले रखा होगा और इस एडवेंट सीजन में, इस आगमन के जो सीजन है, उसमें हम अच्छे से प्रवेश कर चुके होंगे। आइए हम इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने दिया, एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम से इकट्ठे होने वाले हो सके और इस पेज के माध्यम से आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। हे पंच पिता, तमाम बातों में आपने हमें संभाले रखा, हमें हर एक बुरी बात से, हर एक शैतान की चाल से, हर एक महारोग से, हर एक बीमारी से बचा के रखा और इसमें से लिए चले। परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं और जो इस लाइव टेलीकास्ट के बाद में भी देखेंगे। परमेश्वर पिता, उन सबों को आप बहुतायत से आशीषों से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि वे बहुतायत से आपके नाम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, तमाम इंटरनेट कनेक्शन, लाइट, सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यवधान आपकी इस आराधना में बीच में ना आने पाए परमेश्वर पिता, जिससे ये आराधना अवरुद्ध होए। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगे की तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम आराधना में जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये सब गीत आपको भी आते होंगे। गुनेगारों को देने सहारा आया चरनी में तारण हारा, गुनेगारों को देने सहारा आया चरनी में तारण हारा, मैदानों में दूतों ने गाया पैगाम खुशी का सुनाया, मैदानों में दूतों ने गाया पैगाम खुशी का सुनाया, हुआ है ईशु जल्दी मरियम की आँखों का तारा, पैदा हुआ है ईशु जल्दी मरियम की आँखों का तारा, गुनेगारों को देने सहारा आया चरनी में तारण हारा, तेरे हम चमकी रोशनी खूब निराली,
लिया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह
दुनिया में तू पापियों को बचाने को आए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी सादे गुनराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी सादे गुनराह हो रहे थे। मिला आसमान बना इंसान छोड़ा आसमान बना इंसान मिली नजा इस दुनिया को बना इंसान मिली नजा इस दुनिया को आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदान में गरड़िए रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गरड़िए रात सो रहे थे। सुना परे की जुबान सुना परे तो की जुबान पैदा हुआ है जिससे निदान। सुना परे तो की जुबान पैदा हुआ जिससे निदान आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तस्वीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तस्वीर। चल दिए वो दियोटों पर सारे हया पीछा कर। चल दिए वो दियोटों पर तारे हया पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर दुनिया की हर जुबानों पर। समुद्र की सब लहरों पर जुबानों पर है उसका नाम है उसका काम प्यारा जहां है उसका नाम है उसका काम। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को।
सी दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाई ना जो बेटे पर चलेगा पार इस दुनिया को। हालिया आइए अब हम वचन में जाएंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम एडवेंट सीजन में चल रहे हैं और बहुत जल्द हम प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मोत्सव को उस जन्मदिन को मनाने पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। और आइए हम आज के इस वचन में जाएंगे जो कि बहुत ही एक जाना पहचाना सा पैराग्राफ है या एक अध्याय है पूरा, जिसमें वर्णन हम पाते हैं जिसे हम हर साल अपने अपनी कलीसियाओं में हम इस एडवेंट सीजन में या क्रिसमस के दिन पर इस अध्याय में से हम मनन और चिंतन करते हैं, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, जहाँ पर हम पाते हैं कि जो पूरा प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन है वो बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में उसमें जिक्र किया गया है। जितने भी गॉस्पल्स हैं, जितने भी सुसमाचार हैं, उनमें से जो सारा जो डिस्क्रिप्टिव इंसिडेंट है वो लूका की किताब में हमें मिलता है। और उस लूका के दूसरे अध्याय में हम पाते हैं, और हम जब उसकी आठवें आयत से हम पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन। जैसे कि मैं प्रियो इस इन आयतों को पढ़ा गया, आठवें अध्याय से लेकर पंद्रहवें अध्याय तक इन आयतों को पढ़ा गया, जहां पर हम पाते हैं कि हर चीज एक सिलसिलेवार तरीके से होती है। हम हर चीज को एक सीरियल में पाते हैं। और जब हम इसके पहले की आयतों में जाते हैं तब हमें मिलता है कि सब चीजें ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस वो चीजें घटती हैं, एक निर्धारित समय में, एक निर्धारित स्थान में। और जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम पाते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने अपनी उस योजना को पूरा करने के लिए यूसुफ और मरियम को चुना, तो हम पाते हैं कि उन दोनों का विवाह भी नहीं हुआ था, वो दोनों का बेट्रॉटल हुआ था, मतलब मंगनी हुई थी। और उसके बाद हम पाते हैं कि मरियम कंसीव करी हुई थी और सब चीजें स्वर्गदूतों ने आकर यूसुफ और मरियम से उन बातों का जिक्र किया, और वे दोनों परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, इसलिए वो जो योजना परमेश्वर ने ठहराई थी वो उस योजना के भागीदार होने पाए। आज हम जब देखते हैं इस क्रिसमस को, मतलब
बचपन से लेकर आज तक जो भी क्रिसमस देखा है हम लोगों ने, हम ये पाते हैं कि हर्षोल्लास का माहौल रहता है, हर तरफ बहुत ही रौनक रहती है, अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छे कपड़े लोग सिलवाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, घरों को सजाते हैं, चर्चेस को सजाते हैं, सब जगह रौनक ही रौनक हमें दिखाई पड़ती है, क्रिसमस ट्री सजाई जाती है, सेंटा क्लॉस आते हैं, ये वो चीजें होती हैं। लेकिन हम दिन प्रतिदिन उस जो मार्मिक चीज है, इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, उस मार्मिक दृश्य को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, हम कहीं ना कहीं उन चीजों को भुला देते हैं जो आज के समय में हम सबों को जानने और उस पर विचार करने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम इस जो परमेश्वर की योजना है उसमें हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ उस योजना का एक कीमती भाग बने, और हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ जो थे वो जवान थे, उनकी भी कोई ना कोई योजनाएं उनने बनाई होंगी, जब वो दूसरों को कोई विवाह को देखते होंगे, जो दूसरों की लाइफ में चलता होगा वो उनकी खुशियों को देखते होंगे, और सडनली उनकी लाइफ में एक स्वर्गदूत आ जाता है, और हम देखते हैं कि वहां वो जो है वो स्वर्गदूत उन्हें परमेश्वर की योजना से मिलवाता है कि सुनो, परमेश्वर की तुम्हारे जीवन के प्रति ये योजना है, और वे उसमें हामी भर देते हैं। अगर हम आज के समय में देखें तो हम सब भी अपनी अपनी योजनाओं में व्यस्त हैं, अपनी अपने शेड्यूल में लगे हुए हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की योजना को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, जैसा कि मरियम और यूसुफ ने अपने उस जीवन में परमेश्वर की योजना को प्रथम स्थान दिया। और जब परमेश्वर ने उस योजना को उनके मध्य में रखा, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, वो स्वीकार करते हैं, सिर्फ स्वीकार करना ही इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, उस योजना में चलना भी इंपॉर्टेंस रखता है। आप सोच रहे होंगे जो आयतें मैंने पढ़ी और जो मैं जिनके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इनमें और जो जो आयतें पढ़ी गई उनमें दोनों में रिलेशन है, बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है। यूसुफ और मरियम ने जब परमेश्वर की योजना में चलना चालू किया तो सब चीजें उनके लिए आसान नहीं थी। बिना शादी के लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और हम देखते हैं कि यूसुफ भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक दिन ये आता है कि जो चीजें उनने प्राइवेटली रखी थी वो सबके सामने उजागर हो जाती हैं, उजागर होती हैं, और उन्हें एक सेंसस एक जनगणना के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने सोचा होगा कि नासरत में उस बच्चे को हम जन्म देंगे जहां वे अपने कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन उन्हें यूसुफ के कारण उसके पैतृक जगह जाना पड़ता है बेतलहम में, और वो दोनों एक यात्रा को उस आत्मिक यात्रा के साथ वो एक संसारिक यात्रा को भी करते हैं, और संसारिक यात्रा को करने साथ ही हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना उनके जीवनों में कैसी रहती है। जब वो बेतलहम पहुंच जाते हैं कि अब चलो हम जनगणना के लिए हम तैयार हैं, अब हम जनगणना करेंगे, तो वहां पे पता चलता है कि यीशु मसीह होने वाले हैं। उन दोनों को कहीं जगह नहीं मिलती है, किसी राय में उनके लिए कोई जगह न थी। वे सोचते होंगे कि परमेश्वर की ऐसी कैसी योजना कि हम ऐसे दर दर फिर रहे हैं, हमारे लिए एक जगह तक नहीं है सर रखने की या कहीं आराम करने की।
और उन्हें एक गौशाले में जगह मिलती है, बहुत ही अनफेमिलियर प्लेस। वहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और जन्म होता है तो उन लोग को जो चीजें हैं वहां पे बहुत ही अनहाइजीनिक रहती हैं। वहां पे सारे जानवर रहते हैं, भेड़ बकरियां, तमाम तरीके के जीव जंतु, सब प्रकार की चीजें रहती हैं। वो यहाँ सोच के थोड़ा सा शांत होते होंगे कि ना चलो अब ये बालक आ गया, अब परमेश्वर की योजना अपने आप होती जाएगी, वो पूर्ण होती जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो 2 पल के लिए शांत रहते हैं तो वहीं एक गरड़ियों का एक दल आ जाता है उनके पास, और ये ऐसे लोग थे जिन्हें वे जानते भी नहीं थे, जिनसे उनका परिचय भी नहीं था, जिनसे उनकी ना घरोपा था, ना उनने कभी उस बात को जो उनके साथ हुई थी वो उनने कभी डिस्कस किया होगा कि देखो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में ये है, परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चुना है, और देखो हमारे थ्रू, हमारे द्वारा जगत का उद्धार करता इस दुनिया में आया है। सुनो सुनो सुनो, आज अगर कोई अगर छोटा सा भी काम करता है तो उसका ढिंढोरा पिटवा देता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर की चुनी हुई दासी हूं, मैं दास हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यहां पे वो दोनों को हम देखते हैं कि बहुत ही अमेजमेंट में वो हैं कि जहां जब गरड़िए उनके पास आते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई है। एक संसार का मुक्तिदाता, उसे मिलने गरड़िए आते हैं। हाँ, गरड़िए ही आएंगे क्योंकि वो खुद एक गरड़िया था, वो खुद एक चरवाहे के रूप में इस दुनिया में आया था। और जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जैसा जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा वैसा वैसा उनने किया भी। वो जाके उस जगह पर उनने ये नहीं, वो हिचकिचाए नहीं, उनने एक क्षण का भी इंतजार नहीं किया कि थोड़ी देर बाद हम चले जाते हैं। वे जिस बात की बाट जोह रहे थे, कहीं ना कहीं हम भी किसी बात की बाट जोहते हैं। ये जो क्रिसमस का मैसेज है, ये जो क्रिसमस की स्टोरी है, वो कई पात्रों से मिलकर एक कहानी बनती है, एक 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 दृश्य बनता है। इट्स ए कंबाइंड थिंग जहां पे हर एक किरदार को अपनी भूमिका निभानी रहती है। मरियम और यूसुफ ने अपनी अपना किरदार निभाया, उनने परमेश्वर की योजना में अपना किरदार निभाया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना किरदार निभाया कि वे एक नम्र से स्थान में हो गए, और जब गरड़ियों को जो थे उनके लिए एक चिन्ह भी था कि वे एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाएंगे। वहां कोई रॉयल रोब नहीं था, वहां कोई ग्रैंड प्रोसेशन नहीं था, वहां पे कुछ भी वैभव, जो सुंदरता थी वहां पे वो कुछ भी नहीं थी। एक अनफेमिलियर सिचुएशन में, एक अनफेमिलियर हैबिटेट में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं, और हम पाते हैं कि एक चिन्ह उनके लिए दिया गया कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और एक चरनी में पड़ा हुआ पाएंगे। ये चिन्ह आज सिर्फ उन गरड़ियों के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है कि जब इस संसार का मुक्तिदाता इस दुनिया में आया, वो खुद एक केओस के बीच में आया।
कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ। और हम देखते हैं कि ये एक साइन है कि जिन अनफैमिलियर चीजों के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, जो हमारे जहन के बाहर भी होती हैं, परमेश्वर उन जगहों में भी हमें सुरक्षित रख सकता है। जब खुदावंद का बेटा इस दुनिया में आया, वो खुद अनफैमिलियर सिचुएशंस में आया, और अनफैमिलियर सिचुएशंस में सिर्फ एक कपड़े में लिपटा हुआ था वो। आज हम सोचते कि हमारे आसपास इतनी त्राहिमाम, इतनी त्राही त्राही मची हुई है, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो आज की शाम मेरे प्रियो, ये हमारे लिए भी एक चिन्ह होना चाहिए, जहां पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भले ही इस दुनिया में कितना ही त्राही मची हो, कितनी भी भयावह स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी योजना को उनके बीच में सही सलामत रखना जानते हैं। परमेश्वर ने अगर कोई योजना ठहराई हुई है, वो उन अनफैमिलियर सिचुएशंस में भी उनके लिए एक फैमिलियर चीज होगी। यहां पे हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट में ही हम देखते हैं जो जो पात्र, जिनको जो कार्य करने को सौंपा गया था, उनने ईमानदारी से अपने उस उन किरदारों को निभाया, अपने उस रोल को वो उनने किया। सब लोगों ने अपने कार्यों को ईमानदारी से बखूबी पूर्ण किया, ताकि परमेश्वर की योजना पूर्ण होए, जो परमेश्वर ने आदि काल से मनुष्य के लिए ठहराई हुई थी। आज हम जब उस एडवेंट सीजन में होकर गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आप सबों को एंकरेज करूंगा कि जब हम को परमेश्वर कोई रोल देते हैं, कोई हमें किरदार देते हैं, कि हम अपने अपने किरदारों को एज ए पर्सन, हम उस किरदार को बिना किसी छल कपट के अपने पूर्ण मन से उस किरदार को हम पूरा करें। अगर परमेश्वर हमें कोई जिम्मेदारी सौंपता है, तो उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ हम पूर्ण करें, चाहे वो वचन की सेवकाई हो, चाहे दान देना हो, चाहे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी के अंदर हमें परमेश्वर ने रखा हो, चाहे गीतों के द्वारा हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, हम अपने पूर्ण रूप से उस कार्य को पूरा करें, ताकि जब हम अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी से पूरा करें, तो परमेश्वर की योजना हमारे थ्रू अपने आप पूर्ण हो जाएगी। ये क्रिसमस की कहानी इसी पर रुकती नहीं है। हम जब इसी दूसरे अध्याय की अंतिम आयतों में जाते हैं, तब हमें इस क्रिसमस की जो कहानी है, जो सिनेरियो है, उसका सार हमें मिलता है। जब हम 18वीं आयत में हम पाते हैं, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलड़ियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। परंतु ये सब बातें जानकर, ये सब बातें सुनकर, जो भी व्याख्या जो जो गरड़ियों के साथ घटा था, उनने अपने उस किरदार में रहकर उस बात को पहुंचाने का जो जिम्मा परमेश्वर ने उन गरड़ियों के ऊपर भी दिया था, सुसमाचार को सुनाने का, वो सब बातें जब मरियम और यूसुफ के बीच में उन लोगों ने रखी, तब हम पाते हैं कि मरियम इन सब बातों के सुनने के बाद सोच में डूब गए। इंग्लिश में लिखा है, एंड मैरी ट्रेजर्ड अप
ऑल थिंग्स इन हर हार्ट। वो उन बातों से फूली नहीं, वो उन बातों में उसने उसके अंदर कभी घमंड नहीं आया कि देखो परमेश्वर ने मेरे अंदर से होकर अपनी योजना को पूरा किया। ये एक ह्यूमिलिटी की बात है कि जहां संसार का मुक्ति दाता उस मरियम की कोख में जब मरियम ने कंसीव किया, उस दिन से लेकर उसके जन्माने तक मरियम उस बात को महसूस करती थी, कोई भी उस बात को नहीं जान सकता था ना महसूस कर सकता था जो बातें मरियम ने महसूस करी थी। ये बहुत ही कंबाइंड मैसेज है। ये जो आयत, ये जो अध्याय है, लूका का दूसरा अध्याय, ये बहुत ही कंबाइंड मैसेजेस को लेकर आता है हमारे बीच में। ये सिर्फ एक मैसेज को नहीं लाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। ये इस मैसेज को लेकर आता है हमारे बीच में कि सभी पात्रों ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया, विथ ह्यूमिलिएशन, नम्रता के साथ अपने उस कार्य को पूर्ण किया, अपने कार्य को ईमानदारी के साथ पूर्ण किया, परमेश्वर की योजना को प्रथम स्थान देकर उन्होंने उस अपने किरदार को पूर्ण किया। और हम देखते हैं कि ये किरदार जो है मरियम का, वो यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता। एंड मैरी ट्रेजर्ड अप ऑल द थिंग्स इन हर हार्ट। कुछ कुछ बातें मरियम ने अपने अंदर ही रखी थी। वो उसके अंदर जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, जब कंसीव करती है, सिर्फ उसे ही महसूस होता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बच्चा कैसे ग्रो अप कर रहा है, कैसे कैसे विश्वास भी एक मसीह के जीवन में ग्रो करता है। मैं आज एक मैसेज के साथ नहीं, मैं कंबाइंड मैसेजेस के साथ आपके बीच में हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर ही केंद्रित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो अच्छे कपड़ों पर, अच्छे डेकोरेशंस पर, अच्छे पकवानों पर, अच्छे अच्छे गीतों पर, अच्छे अच्छे सुसमाचार पर, सिर्फ उन पर ही केंद्रित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक कंबाइंड मैसेज है इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए एक कंबाइंड मैसेज है, दैट वी हैव टू प्ले आवर रोल, कि हमें अपने किरदार को बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही हलीमी के साथ निभाना है। अगर परमेश्वर ने हमें किसी भी रूप में कोई भी वरदान दिया है, कुछ भी किया हो, कुछ भी आशीषों से नवाजा हो, हम उसमें फूले ना। हम अपने किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। जो किरदार हमारे जन्म से लेकर आज तक परमेश्वर पिता ने हमारे लिए ठहराया है, उस किरदार में हम बने रहें। हम किसी को कॉपी ना करें, हम एक ओरिजिनलिटी को अपनी लाइफ में रखें, हम अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो उसको अपने जीवन में रखें। तब एक एक इंडिविजुअल जब कैरेक्टर अपने कैरेक्टर को बखूबी ईमानदारी से प्ले करेंगे, तब वो कंबाइन होकर वो सेंटर करेगा प्रभु यीशु मसीह को। तो मेरे प्रियो, आज की शाम जो है वो परमेश्वर हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि हम
अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाएं। हम अपनी अपनी जिंदगियों को ईमानदारी से जिएं। हम अपने अपने किरदारों में, अपने अपने जीवनों में पूर्ण ह्यूमिलिटी, पूर्ण नम्रता के साथ अपने जीवन का यापन करें, विथ डिसिप्लिन, ताकि जो परमेश्वर की योजना है वो एक ना एक दिन गर्भवती होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो, और जब वो योजना पूर्ण भी हो जाए तब भी हमारे मनों में कभी घमंड ना आए। और जैसा हम देखते हैं मरियम के किरदार को, कि जितनी बातें, जितना रेवलेशन मरियम के पास था, उससे ज्यादा रेवलेशन किसी के पास शायद से इन किरदारों के बीच में ना रहा हो, ना यूसुफ के पास रहा हो, ना उन गरड़ियों के पास रहा हो, ना उन स्वर्गदूतों के पास रहा हो। लेकिन जब मरियम के पास इतना सारा प्रकाशन था, उसने प्रकाशनों के बाद भी मरियम फूली नहीं, उसके अंदर घमंड नहीं आया। वो जब वो योजना के अंदर परमेश्वर ने उसको लिया, जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने उस योजना को मरियम के सामने रखा, तब भी वो नम्र थी। और जब वो योजना पूर्ण हुई, जब उस योजना को जब वो योजना उसके सामने एक एक विजिबल रूप में आई, तब भी वो घमंड नहीं करी। और हम पाते हैं कि आगे भी हम पाते हैं कि कुछ इंसिडेंसेस की एंडिंग इसी से होती है, कि एंड मैरी ट्रेजर्ड अप ऑल दीज थिंग्स इन हर हार्ट। अभी भी परमेश्वर की योजना पूर्ण नहीं हुई थी। ये जो मैसेज है वो कई लोगों के लिए एक पूर्ण मैसेज है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मरियम के लिए जो ये मैसेज है वो अधूरा है। मरियम का मैसेज जो है वो ऐसे ही अध्याय पर और कुछ आयतों में खत्म नहीं होता है, वो खत्म प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के समय वो पूर्ण हुआ, जब उसने देखा कि संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह कैसे सब लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करें। तो मेरे प्रियो, ये जो आज एक छोटा सा मैसेज है वो हम सबों के जीवनों में बहुतायत से कार्य करने वाला हो सके, ताकि हम जो हैं अपने अपने उन जीवनों में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी 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 नम्रता के साथ हम अपने जीवनों का यापन करें, और जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे थ्रू रखी हैं वो योजनाएं हम परमेश्वर की ओबीडियंस में, उसकी आज्ञाकारिता में होकर हम उन योजनाओं को पूर्ण रूप में कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु पिता, जो ये क्रिसमस का मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन ये जो क्रिसमस का मैसेज है परमेश्वर पिता, जो तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन है, हम उन सब के कंट्रीब्यूशन को भी हम स्मरण करने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, ऐसा मन दीजिए कि हम अपने किरदारों को, अपने जीवनों को बहुत ही ईमानदारी के साथ पूर्ण कर सकें परमेश्वर पिता। और जब हमारी संसार की यात्रा जब पूर्ण होए परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता हम जब आत्मिक यात्रा में हम निकलें परमेश्वर पिता, तो हमें ये यकीन हो परमेश्वर पिता, और ये हमें हम अपने आप में ऐसे अपने आप को परिपूर्ण समझे परमेश्वर पिता, कि हाँ मैंने परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजना रखी थी वो, और जो
कार्य मुझे परमेश्वर ने दिया था उसे, और जो किरदार मेरे परमेश्वर ने हमें दिया था, मैंने उसे पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाया। और जब हम एक ना एक दिन आपके समक्ष खड़े हों परमेश्वर पिता, तो हमें ये फक्र हो परमेश्वर पिता कि जो काम आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, हम उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करने पाए परमेश्वर पिता, और जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। हमें ऐसी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर पिता कि हम आपकी योजना को प्रथम स्थान देने वाले हो सकें। पास्टर अनुपम डेविड जी और उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उनके साथ रहिए, उनकी रक्षा रखवाली और मदद करिए परमेश्वर पिता। जब वे इस आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा बहुतायत बहुतेरे लोगों को परमेश्वर पिता आपके वचन की मनादी के लिए इकट्ठा करते हैं परमेश्वर पिता, वे अपने प्रतिफल को किसी प्रकार से ना खोने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, उनके खत्ते हमेशा भरे रहे परमेश्वर पिता, और जब वो इसे वकाई के कार्य को करते हैं परमेश्वर पिता, तो उन्हें किसी भली वस्तु की घटी और कमी ना होने पाए। हे परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जब वे नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, वे परमेश्वर पिता अपने उस बीमारी की अवस्था को छोड़कर आपके हैकल में जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए वे एक जीवते खंभे बनकर आपके राज्य की के फैलाने में अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन।